आई होप आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। और अगर आप टाइम देखोगे यहाँ पर तो अभी दिखा रहा है रात के 12:49, और मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। समझो इस बात को कि आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर आप वीडियो देखते हो तो उसे लाइक जरूर करो, ठीक है। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि ठीक है आप लोगों के लिए कुछ बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आगे की कुछ प्लानिंग है मेरी कि लाइक आपके लोगों के लिए एमएस ऑफिस की कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ हमारी योगा की मुद्रा होती है ज्ञान मुद्रा, समथिंग लाइक दैट, वो उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। और इसको सॉफ्टवेयर को सिखाऊंगा कि आपने ऑटोकैड पे कैसे काम करना है, इन्वेंटर पे कैसे काम करना है। अब इन्वेंटर असेंबली करने जा रहे हैं आज हम, तो आई एम मेकिंग श्योर कि आपको इन्वेंटर असेंबली समझ आए। तो समझने का सबसे बेस्ट और बेसिक मेथड आपका वो यही है कि जब आप काम करो तो आप उस फोल्डर पे काम करो जिसके अंदर आपके सारे पार्ट्स पड़े हो, ठीक है। अगर मैं फुटस्टेप बेयरिंग की असेंबली करूँ तो सारे पार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। अब स्क्रू जैक पे काम कर रहा हूँ, स्क्रू जैक के सारे पार्ट यहाँ दिखा रहा है कि बॉडी है, नंबर 1 पार्ट नट, नंबर 2 पार्ट मेन स्क्रू, नंबर 3 पार्ट कप, ठीक है। फिर पार्ट 6 आपका स्क्रू आ गया, फिर टॉमी बार आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास सारे पार्ट्स यहाँ पे होने चाहिए इसके अंदर, तभी आप काम करोगे। अगर ऐसे काम कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ड्राइंग यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वॉशर भी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वॉशर नहीं दिखा रहा, इसको मैं चेक कर सकता हूँ ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। इसके अंदर सारे पार्ट्स चेक करूँगा, पहले सारे पार्ट्स हैं। अब मैं पार्ट 5 चेक करता हूँ, पार्ट 4, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स मेरे पास यहाँ पड़े हैं, ये वॉशर मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वॉशर बनाया था 25th 25th सितंबर को, तो इसलिए वहाँ पे लिस्ट में आ नहीं रहा, ठीक है। तो वॉशर बनी हुई है, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ सारे पार्ट्स मेरे पास बने हुए हैं, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट जो है वही दिखा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो वॉशर भी अवेलेबल है मेरे इस फोल्डर के अंदर। अगर आप फोल्डर के अंदर सारे पार्ट्स रख के असेंबली नहीं करोगे तो सारा कुछ असेंबल करने के बाद लास्ट में फेल हो जाएगा आपका। जब तो आप खोलोगे तो आपके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे असेंबली को, ठीक है। तो सारी मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो जो आपका फोल्डर है उसके अंदर ही सारे पार्ट्स होने चाहिए आपके, ठीक है, काम करने के लिए। अब न्यू में जा रहे हैं, और न्यू में जाने के बाद आपके पास ये न्यू फाइल का एक टेम्पलेट आता है, पॉपअप स्क्रीन बोलते हैं इसको, जो आपकी विंडो पे पॉप होती है, ठीक है। तो पॉप हुई है तो मैट्रिक थ्रेड के अंदर काम कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब मैट्रिक स्टैंडर्ड होता है हमारा मिलीमीटर वाला, हम वो सेलेक्ट करते हैं। अभी पार्ट के लिए हम स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईपीटी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अभी हम स्टैंडर्ड मिलीमीटर आईएएम असेंबली के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अलग अलग हमारे पार्ट्स असेंबल होंगे, तो चलो क्रिएट करते हैं, ठीक है। गाइस घबराना बिल्कुल नहीं है, सारा कुछ ईजी होता है, पर अगर आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से जैसे आपको चीज़ चाहिए वैसे रखोगे तो, वरना सॉफ्टवेयर आपके पार्ट ढूंढ नहीं पाएगा। अगर आपने फोल्डर एक जगह पे था, वहाँ से लोकेशन चेंज कर दी है, और यहाँ पर जाके ओपन करोगे, होएगा ही नहीं ओपन, ठीक है। वो कहेगा है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी। चलो तो अब हम पहले देखो, मैं स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूँ आप सबको, और बहुत बच्चों को दिक्कत आ भी रही है। बहुत से बच्चे इस चीज़ को पूछ रहे हैं मेरे से कि सर हम लगाते हैं बट हमारे पार्ट इधर उधर होते हैं, पहला पार्ट कैसे प्लेस करें। फिर बताता हूँ, आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। प्लेस कंपोनेंट के ऑप्शन यहाँ से भी आती है आपके पास, और यहाँ से भी आती है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपके सबसे पहला पार्ट आएगा बॉडी, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू देख लेना, प्रीव्यू में दिखता है, ठीक है आपके पास। ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जब स्क्रीन पर आपके पास दिखेगा पार्ट, ठीक है, तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो जूम आउट करके पहले पूरा पार्ट देख लेना कि पार्ट वही है जो आपको चाहिए, ठीक है। फिर अभी क्लिक नहीं करना, अगर क्लिक कर दिया तो ये प्लेस हो जाएगा स्क्रीन पर। तो हमें स्क्रीन के जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है XYZ, ठीक है, स्क्रीन के जो कोऑर्डिनेट है 000, मुझे वहाँ पर करना है। तो राइट क्लिक करूँगा और बोलूँगा प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी असेंबली को शुरू करने के, पहले पार्ट को प्लेस करने के लिए। अगर ये नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी आएगी और हमेशा ही आएगी। तो अपनी स्टार्टिंग से अभी हैबिट बना लो कि आपने प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन ही करना है, ठीक है। आपका बॉडी पार्ट पहला प्लेस हो गया। अगर आपको और चाहिए होते हैं, और असेंबलीज करनी हो, बहुत सारे पार्ट्स आपको चाहिए होते हैं, तो आप रख सकते हो। तो पहला पार्ट ऐसा रखो जो आपका बेसिक हो, सिंगल हो, ठीक है, उसके आसपास आप असेंबली कर सको। तो इसको एस्केप से छोड़ सकते हो या राइट क्लिक करके ओके कर सकते हो, ठीक है। अब हमने न्यू पार्ट लेना है, राइट क्लिक करके प्लेस कंपोनेंट के ऑप्शन यहाँ पे ऊपर जाती है, ठीक है, स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन बड़ी होगी आपकी तो उस हिसाब से होगा। अब मेरे पास 24 इंच की स्क्रीन है,
ठीक है, तो 24 इंच की स्क्रीन के हिसाब से अभी वो ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी पार्ट आपका क्या है? नेक्स्ट बॉडी पार्ट आपके पास है नट। ठीक है, ये नट पार्ट है मेरे पास, ओपन किया इसको, यहाँ पर लेके आए, एक चाहिए मुझे, ओके कर दिया। अभी आपको दिखाने के लिए किया था ना, अब देखो इस पार्ट को यहाँ से खोलने के लिए राइट क्लिक करूँगा, इसे ओपन करूँगा, तो मेरे पास डायरेक्ट ओपन हो जाएगा पार्ट। ठीक है, अब रेवोल्यूशन थी 270 डिग्री, इसको 360 डिग्री फुल कर देते हैं। ठीक है, अब से यहाँ पे देखो नीचे आते हैं, आपका होम, ये आपके सारे असेंबली पार्ट, यहाँ पे सारा कुछ खोल सकते हो आप। ठीक है, इसको सेव कर लिया यहाँ पे मैंने, इसको बंद कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये अपडेटेड नहीं होता, ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए, आपने आपने व्यू के अंदर जाना है, सॉरी मैनेज के अंदर जाएंगे आप, यहाँ से जाके अपडेट कर देंगे। ठीक है, कई बार होता है आपने कुछ पार्ट में चेंजेस कर दिए और यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहा, तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, या रिबिल्ड ऑल कर लेना या अपडेट कर देना। ठीक है, चलो असेंबल में दोबारा आते हैं। अब आपके दो पार्ट्स यहाँ पड़े हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, हमने इसको इसके अंदर प्लेस करना है, तो कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं या जॉइंट लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपने कैसे काम करना है। ठीक है, मैं कॉन्स्टेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट में मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, अगर मुझे ऑप्शंस चूज करनी है तो चूज कर सकता हूँ, वरना इसके अंदर भी जाऊँगा तो पिक कर लेगा एक, इसका सेंटर, इसके सेंटर एक्सिस से। ठीक है, अभी इसके अंदर चला गया, पर मुझे ऊपर चाहिए तो क्या करूँगा, इसको करूँगा बंद, इसको भी पार्ट को खींच सकता हूँ, वो फिक्स है मेरा, वो नहीं लेगा। ठीक है, इस पार्ट को भी खींच सकता हूँ, इस पार्ट को भी रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो ये अगर आपने देखी होगी आपने, तो ये फुली आपका प्लेस्ड है यहाँ पे, पूरा पूरा प्लेस्ड है, फिक्स है आपका। ठीक है, ये फिक्स्ड ही रहेगा आपका, तभी आपका स्क्रू उसमें रोटेट करेगा, अगर ये लूज हुआ तो ऊपर चला जाएगा आपका साथ में, या बाहर निकल गिर जाएगा। ठीक है, तो फिक्स ही करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम कंस्ट्रेंट दोबारा लेंगे, इस सरफेस को हम कंस्ट्रेंट करेंगे, इस सरफेस का। ठीक है, अभी भी आपका ये पार्ट फिक्स नहीं हुआ। ठीक है गाइस, आपको दिखा देता हूँ, ये अभी भी आपका पार्ट फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, अब आप इसको अगर इस पार्ट को सिलेक्ट कर देंगे बाद, इसे घुमाओगे, देखो ये घूम रहा है अभी आपका। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों के यहाँ से ओरिजिन निकाल लेंगे, ओरिजिन के अंदर हमारे पास प्लेन्स होंगे। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट, अगर तो आपने मेरे वाले तरीके से कर रखा है, तो आपका एक्स वाई प्लेन और इसका एक्स वाई प्लेन, वो दोनों कॉन्स्ट्रेंट हो जाएंगे। अगर आपने अलग अलग प्लेन लेके काम कर रखा है, तो आपको सबसे प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो कॉन्स्ट्रेंट हो जाए। ठीक है, अप्लाई करके इसको बंद कर देना। तो अब आपके ये दोनों पार्ट असेंबल हो गए हैं। ठीक है, और जब पूरा तरीके से आपका पार्ट असेंबल हो जाएगा, तो इसके आगे ऐसा ब्लैक डॉट आएगा, अगर असेंबल नहीं होगा तो खाली होगा, डॉट तो होगा, सर्कल तो होगा, बट वो खाली होगा। ठीक है, वो बताता है कि आपका फुली कॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ पार्ट। ठीक है, अब हम न्यू पार्ट लेके आते हैं यहाँ पर, आपका न्यू पार्ट का आएगा, अब आपका न्यू पार्ट आएगा स्क्रू, मेन स्क्रू। ठीक है, ओपन कर रहे हैं इसको यहाँ पे, तो यहाँ प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, एक ही चाहिए हमें, तो एक को रख लिया हमने। अब कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, इसकी सेंटर एक्सिस, इसकी सेंटर एक्सिस से। ठीक है, वो उसके अंदर प्लेस हो गया वहाँ पे, पर हमें प्लेस ऊपर चाहिए इसको। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, ऊपर खींचने के बाद आप अगर देखो यहाँ पर आपके पास, आप उसे ऊपर रख सकते हो दिखाने के लिए कि हाँ जी हमारे पार्ट हमने खोल रखा है। तो मुझे अगर ऊपर दिखाना हो तो क्या करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट लगा दूंगा कि जो उसका एक टॉप सरफेस है ये वाला, आपके इस टॉप सरफेस से या इस टॉप सरफेस से, उसको मैं ऊपर रख सकता हूँ। कह रहा है कितना ऊपर रखना है, मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए कम से कम 50 मिलीमीटर ऊपर चाहिए, वो नीचे ले गया फिलहाल। ठीक है, तो इसको शिफ्ट कर लेंगे हम 50 मिलीमीटर।
वो अंदर ही चला गया है इसमें। रुको, तुम प्लेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। लाल मैं उसी से करूँगा, इसमें यहाँ पे टेपर्ड है ना, तो टेपर्ड के हिसाब से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट पिक कर रहा हूँ, टॉप सरफेस से कर लेता हूँ, ठीक है। इसका टॉप सरफेस, इसकी टॉप सरफेस से, ठीक है। अप्लाई करूंगा तो कहेगा आप एडिट करो, आपका रिलेशनशिप सही नहीं है। चलिए करता हूँ, उसने कमांड को छोड़ दिया, ठीक है। ये सरफेस साथ वहां पर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे इसको चाहिए डिस्टेंस पर। कितना? मुझे पता है कि वहां पे वो 10 था, फिर 9 था, फिर 50 था, फिर 9 था, तो इस अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूँ 120। वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मुझे नीचे की तरफ नहीं चाहिए, तो फ्लिप कर रहा हूँ उसको। अभी फ्लिप नहीं हो रहा वो, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए फिर हमारे पास दो ही ऑप्शंस आती हैं। एक तो आएगा कि प्लेन से करेंगे, एक होगा कि इसका हम रेफरेंस किसी और रेफरेंस से ले लें, अगर वहाँ पे इशू आ रहा है तो, ठीक है। या हमारे पास एक और तरीका है, हम इसकी नीचे वाले पोर्शन, जो फ्लैट हमारा पोर्शन है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये वाला पोर्शन फ्लैट है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस सरफेस को इसके सरफेस के साथ, ठीक है। रोटेट करके देख लेना कि कहाँ पर है, और तब भी आपको क्लियर ना हो तो आप वाईफाई में काम कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कितना है आपके पास। अप्लाई करोगे नहीं होगा, ठीक है, तो वो डायमेंशन का इशू होता है, आप डायमेंशन ले सकते हो इसके अंदर। हम नीचे जा रहा है इसको, हम कह रहे हैं नीचे नहीं चाहिए हमें, ऊपर चाहिए। ऑफसेट कितना करना है हमने, हम ले लेते हैं सपोज करो 200। नीचे जा रहा है तो हम -200 कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर चला गया तो अब 150 कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो 100 कर लेते हैं, ठीक है। अप्लाई कर लेंगे इसको, हम शेडेड विद एजिस कर लेंगे, ठीक ये हमारा प्लेस हो गया यहाँ पर प्लेस तो हुआ, पर ये अभी रोटेशन मोशन में रहेगा हमारे पास, ठीक है। उसको फिक्स करने के लिए आप फिर वही थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप इसके प्लेन्स कर लो। अभी ये आपका रोटेट है, देखो, ठीक है, रोटेट कर रहा है अभी आपके पास। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लगाओगे आप, प्लेस करेंगे कप को, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपका कप है, कप के अंदर आपकी वॉशर आएगी, वॉशर के अंदर आपका स्क्रू आएगा, फिर आपका बार, ठीक है। कप ओपन कर रहे हैं, कप हमने यहाँ पर रख दिया, ओके कर दिया कप को। अब कप के साथ हमारा पहले हम ले सकते हैं कंस्ट्रेंट दोनों का, हमारी सिलेंड्रिकल प्रॉपर्टी है कि दोनों गोलाकार है तो सिलेंड्रिकल हो गए, अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको बंद कर दिया, अपने इस पार्ट को ऊपर निकाल लिया, ठीक है। अब ये पार्ट जो है हमारा, ये हमारा प्लेस हो रहा है इस पोजीशन पर, ठीक है। ये 25 डायस का इनसाइड का था, हम कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, ये सरफेस इसके साथ इस सरफेस जुड़ जाए, ठीक है। तो हमने इसको लगा दिया, ठीक है, इसको अप्लाई कर लिया हमारा। तो ये अभी ये भी रोटेशन में है, फिक्स करना होगा तो हम स्क्रू से कर सकते हैं, चाहे ऐसे स्क्रू कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस हमारे पास अभी है, वरना आप इसको अकेले घुमा सकते हो, ठीक है। ये लगने के बाद आपका ये नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आएगी आपके पास वॉशर। अभी देखो ये दोनों आपके फुली कॉन्स्टेंट नहीं है, घूम रही है ना, क्योंकि हमने इसे फिक्स नहीं किया। तो प्लेस कर रहा हूँ अभी मैं वॉशर, यहाँ पर रखा है मैंने वॉशर को, ओके किया मैंने। वॉशर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो मुझे चाहिए इस सरफेस पे, ठीक है गाइस। तो अभी ले रहा हूँ वॉशर का, कौन से ले रहे हैं हम, ये सरफेस
हमारी वॉशर की इस सरफेस के साथ, ठीक है, अंदर ले गया उसको, अभी मुझे अंदर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको अभी ड्रैग कर सकता हूँ बाहर को, ठीक है। ट्रैक करने के बाद कॉन्स्टेंट दोबारा लगा रहा हूँ कि इसकी सेंटर एक्सिस, इसकी सेंटर एक्सिस है, ये हुआ नहीं, रुको 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 रुको, इसको दोबारा से करते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसका सेंटर एक्सिस, इसकी सेंटर एक्सिस है, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्लेस हो गया मेरे पास, अप्लाई कर दिया, अभी मैंने इसको फिक्स नहीं किया, ठीक है, वो भी अभी वैसे दिखाएगा मेरे पास। अगला पोर्शन मेरे पास जो आता है वो आता है स्क्रू का, ठीक है, प्लेस में जा रहा हूँ, पार्ट से एक स्क्रू है मेरे पास, इसको यहाँ पे निकाला, यहाँ रखा इसको, अभी इसके अंदर से सेम योगा कॉन्स्टेंट लगाएंगे हम, इसके सेंटर एक्सिस, इसके सेंटर एक्सिस से अप्लाई कर दिया, अब इसकी प्लेसमेंट है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोशिश करेंगे कि ये वाला पोर्शन जो हमारा है उस सरफेस के साथ हमारा मैच हो जाए, इन केस अगर नहीं होगा तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम कंट्रोल अंडू कर लेंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चन लगे हैं, जैसे इसके अंदर देखोगे आपका मेट 1 2 3 4 फ्लश, तो ये पांच लगे हैं, अलग अलग पार्ट से लगे हैं बॉडी के, ठीक है, तो आप सबसे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको बाकी पार्ट्स अभी नहीं चाहिए, एक दिक्कत ये आती है कि बच्चों को पता नहीं लगता कि सर हमें दिख नहीं रहा था, तो आप उस टाइम पे बाकी पार्ट्स को सिलेक्ट करके उसकी विजिबिलिटी बंद कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो काम करने लगे हो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे आपके पास ये पार्ट्स हैं, अब मुझे ये पार्ट फिलहाल नहीं चाहिए दिखने के लिए, मुझे इन दोनों के अंदर असेंबली करनी है, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं, इसके सरफेस से इसके सरफेस के अंदर कुछ डिस्टेंस रख सकता हूँ ताकि हमें लगे वो असेंबल कर रखा है हमने। कौन लगाता हूँ, इसका ये सरफेस इसके इस सरफेस के साथ, ठीक है, अप्लाई करता हूँ, कह रहा है नहीं ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इस सरफेस को इस सरफेस के साथ मुझे, एक होता है आपका अलाइन, ठीक है, मेट, एक होता है फ्लश, तो मैंने फ्लश कर दिया, फ्लश करने में क्या है वो अंदर ले गया उसको, कह रहा मुझे अंदर लेके नहीं जाना, मुझे बाहर चाहिए, तो मैं माइनस कर दूँ, -10, -10 ज़्यादा लग रहा है, तो मैं -1 रख के देखता हूँ, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो मिसमैच हो रहा है, अंदर जा सकता है उसके, ठीक है, तो क्या करूँगा इसको -2 करके देख लेता हूँ, थोड़ा बाहर आ गया उसमें, ठीक है। तो हिसाब से आपने देखना है, अगर आपको याद हो इसकी डिमेंशन तो आपका 6.5 थी इसकी ओवरऑल डिमेंशन इसकी, या कितनी थी चेक कर लेंगे भरी, ये डिमेंशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आप इसमें देखोगे यहाँ पर है आपकी डिमेंशन, ठीक है, इसको हम साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, देखो ये 6 है आपका, ठीक है, तो 6 है तो हम उसको 8 है हमारे पास ये वाला, तो हम इसको 2 mm ऊपर रख सकते हैं, 2 mm रख सकते हैं हम इसको, 2.5 mm रख सकते हैं, ठीक है, ताकि मेरे सरफेस से टच ना करे, टच करेगा पूरा टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा वो, ठीक है, वो कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। जब आपने सारा कुछ कर लिया, आपको लगा ओके हो गया है, अभी भी देखोगे आपको तो ये रोटेट कर सकता है पार्ट, ठीक है, फिक्स नहीं किया हमने, फिक्स आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आप प्लेन से कर लोगे, ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स इतने भी हैं, इनकी विजिबिलिटी ऑन कर लेना, अब यहाँ पे हमारी टॉमी बार रहेगी, टॉमी बार लगाएंगे हम, ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा प्लेस करेंगे, टॉमी बार सेलेक्ट किया, ओपन किया, इसको यहीं पे आप रोटेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने कौन सी उसमें रोटेट करना है इसको, मैं कहता हूँ मुझे जेड में रोटेट करना है, तो उसने जेड में रोटेट कर दिया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखना जेड नीचे दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट दिखा रहा है एक्स में वाई में जेड में, अब मुझे अगर वाई में रोटेट करना हो तो मैं वाई में रोटेट कर लूँगा,
तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको कौन सी ऑप्शन में काम करना है आप चूज कर सकते हो अपने आप, ठीक है। इस प्लेस करने के बाद ओके कर लिया आपने, अब आपने सिर्फ इसको यहाँ प्लेस करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, इन दोनों का फिक्स हो जाएगा, आपने इन दोनों को फिक्स करना है। तो आपका थ्रू आउट है, ये थ्रू आउट है, तो आपको ये प्लेन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्लेन से कैसे करते हैं बता देता हूँ। सपोज करो आपके पास है मेन स्क्रू, मेन स्क्रू का आपने ले लिया है ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर आपके पास प्लेन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो मैं मुझे पता है कि ये 65 का था और ये रॉड भी मेरी 65 की है, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं इस रॉड का ये फ्रंट पोर्शन इस प्लेन से कर सकता हूँ 32.5 के ऑफसेट, तो वो प्लेस हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो चलो कॉन्स्टेंट करते हैं इसका ये सरफेस इस प्लेन के साथ, उसने वहाँ पे कर दिया, पर मैं कह रहा हूँ मुझे ऑफसेट में चाहिए 32.5, वो पीछे जा रहा था, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे आगे की तरफ चाहिए, ठीक है। आप रोटेट करके देख लेना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी वो इसके अंदर है तो वो पता लग रहा, कोई चक्कर नहीं है, इसको हम कर लेते हैं इसका सेंटर हमारे इसके अंदर जो हमने होल किया है उसके सेंटर एक्सिस से हम मैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा प्लेस हो गया उसके अंदर, ऐसे मेरे पास प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई कर दूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा। अब ये मेरी स्क्रू जैक असेंबली पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है गाइस। अब इसको आप अगर चेक करना चाहते हो वायर फ्रेम के अंदर तो वो भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम में आपको दिखाएगा स्क्रू जैक असेंबली, इसके अंदर हमने थ्रेडिंग नर्लिंग सारा कुछ कर रखा है, तो इसके अंदर आपको कहते हैं प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी, अगर उसको हटा देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये पार्ट एक दूसरे के अंदर लगा रखे हैं हमने, ठीक है। ये हुक का नहीं है, स्क्रू जैक है, ठीक है, इसी का ख्याल रखना। कई लोगों को लगता है कि हाँ जी कहते हैं कि कुछ पार्ट्स होते हैं कुछ और ही दिखते हैं, तो गाइज हंसी मजाक अपनी जगह है, ठीक है। जैसे आपके पार्ट्स देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, ये पार्ट्स की असेंबली है आपके पास। अब काम करने के बाद यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल होता है, वो चेक कर सकते हो आप क्लिक करके, ठीक है। इसमें आपको बता देता है कि आपके पास पार्ट क्या क्या हैं, कौन सा पार्ट कितने नंबर क्या है सारा कुछ, ठीक है। इनिशियलाइजिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है देखो आपके पास बॉडी आई, बॉडी के पार्ट आए आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉडी के पार्ट आ गए आपके पास, उसकी क्वांटिटी आ गई, उसका नाम, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, हर एक पार्ट का। अगर ज़्यादा पार्ट्स लगेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग बना लोगे, आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं आएगी इसके अंदर बनाने में, ठीक है। तो ये गाइस ये अभी आपका है कंप्लीशन हो गई है स्क्रू जैक असेंबली की, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस देखेंगे और बाकी देखूंगा कि अब आपको सॉफ्टवेयर सिखाने के हिसाब से काम करूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में दिक्कत ये आ रही है कि वो जो मैं बना रहा हूं उसको डिट्टो कॉपी कर रहे हैं बट सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे, तो मैं सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा वो आपको, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर सीखने पर काम करेंगे, चलो ठीक है गाइस, फिर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी, दोबारा मिलेंगे और वीडियोस वीडियो असेंबली करेंगे, ठीक है। वीडियो बनाएंगे, असेंबली करेंगे, पार्ट मॉडलिंग करेंगे, स्केच रीडिंग करेंगे, बहुत कुछ होगा, ठीक है। चलो गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।